दोस्तों जान लेंगे आर के एंड कंपनी पे आज का सब्जियों का क्या बाजार चल रहा है। राहुल भाई की दुकान पे जैसे मटर आती है, फ्रांस बीन और मटर तो 12 महीने मिलेगी, और जैसे सीजन चला हिमाचल का पत्ता गोभी, फूल गोभी और ये कद्दू, घिया, करेला, ये सारी चीज़ें और भी मिलेगी। पर चलिए जान लेंगे मटर का, फ्रांस बीन का आज का कैसा बाजार चला, कितनी गाड़ी आई। सर जी नमस्कार जी। बहुत जी आज मटर नहीं देखने को मिली जी। मटर कम आई, रास्ते खराब है, बारिश हो रही है, हिमाचल में बहुत नुकसान हुआ है, बहुत बारिश हो रही है। अच्छा जी, रास्ते जाम हो गए जी। हाँ, किन्नौर में, शिमला में, सारी बारिश, कुल्लू मनाली सब जगह, लाहौल में सब जगह बारिश है। अच्छा जी, रास्ते खराब है, पब्लिक बहुत परेशान है, सड़कें टूट गई हैं, पुल चले गए, बह गए, गाड़ियाँ बह गई लोगों की, बहुत परेशान है लोग। बरसात तो देख लो, जब दिल्ली में इतनी बरसात है ऊपर तो क्या हाल होगा जी। बहुत। अच्छा जी, वैसे आई जी कोई मटर थोड़ी बहुत? मटर आई थी। कहाँ वाली जी है? किन्नौर की आई थी सारी। अच्छा जी। हाँ, तो क्या बाजार चला जी आज का जी? जो कुछ बारिश के सड़ गई है वो तो समझ लो 150-300 के बीच में बिकी है, 150 रुपये धड़ी से, 300 जो बढ़िया मटर थी वो 400-600 रुपये का, 400-600 रुपये किलो धड़ी जी, 5 किलो का, 5 किलो का रेट। अच्छा जी, जी। और आज का जी फ्रांस बीन का भाव जी? 70-100 रुपये तक बिकी है। 70-100 रुपये किलो जी। जी जी। अच्छा जी, और श्रीनगर की मटर आ रही जी थोड़ी? श्रीनगर बंद हो गई है, रास्ते बंद हो गई, मटर भी खत्म हो गई, बारिश इतनी है, तबाही हो रही वहाँ भी। अच्छा जी, हाँ जी, फिर बस अब सीजन में आने की नहीं जी वो? अब नहीं आएगी मटर, बस अब तो किन्नौर, लाहौल, स्पीति यही रहेगा, यही चलेगी। अच्छा जी, फिर इसके बाद कौन सा सीजन चलेगा जी? फिर अभी 2-3 महीना ये चलेगी। हाँ जी, उसके बाद फिर मंसूरी, शिमला लोकल चलेगी। अच्छा जी। हाँ, उसके बाद फिर नवंबर से 15 नवंबर में पंजाब आ जाती है। अच्छा जी, धन्यवाद सर जी। और आज पत्ता गोभी का क्या रहा जी हिमाचल? पत्ता गोभी 800-850 पत्ता गोभी का वजन 40 किलो है जी इसमें? 40 वाली किलो। और आज का फूल गोभी के कट्टे जी हैं? फूल गोभी जैसे थी 1000 रुपये से लेके अपने 2200 रुपये तक। अच्छा जी, ये हिमाचल वाला ही? हाँ जी। अच्छा जी, धन्यवाद सर जी, बहुत। दोस्तों दिल्ली में जैसे बड़ी भयंकर बारिश थी 2 दिन पड़ी ऊपर, तो क्या होगा। और भाई साहब कह रहे हैं कि वहाँ रास्ते बंद हो गए, पहाड़ गिर गए, काफ़ी नुकसान हुआ। चलिए जानते हैं इनकी दुकान पे आज का और चीज़ों का क्या रेट चला। हाईब्रिड खीरा है जैसे इनके पास, कद्दू है, गोड़ वाली घी है। चलिए जानते हैं रामू भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। रामू भाई साहब, कद्दू का क्या बाजार चल रहा जी? बढ़िया वाला कद्दू बढ़िया जो बिक रहा है, 16-18 रुपए किलो जी है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, और गोल घी नंबर एक की? गोल नंबर एक की बिक रही है 400 रुपए थैली, 500 रुपए। और वजन कितना है इसमें? इसमें तो ये तो हल्का है, 2 नंबर है इसमें। अच्छा जी, जो बढ़िया है। और वजन कितना है फिर बढ़िया वाली में? बढ़िया में वही है 25-30 किलो। अच्छा जी, और लंबे वाली की नंबर एक? लंबे वाली तो महंगा है। हाँ जी, 700-800-900 रुपए पन्नी का रेट? पन्नी का रेट। अच्छा जी, 35-40 किलो वजन। अच्छा जी, अच्छा। और आज ये हाइब्रिड खीरा? हाइब्रिड खीरा तो मंदा है बहुत। हाँ जी, 10 रुपए किलो भी नहीं बिक रहा। और जो बढ़िया वाला ग्रीननेस खीरा? अच्छा, जो ग्रीन है वो 12-13 रुपए किलो बिक रहा है। और जो ये अपना सीडलेस है अपने पास? सीडलेस बिका है जी 30-32-34 रुपए। कहाँ वाला जी है ये? पानीपत का। और वो नहीं है अपने पास जो वहाँ का आता है? नहीं, वो अभी नहीं आ रहा। जयपुर वाला जी? अभी हमारे व्यापारी का यही चल रहा है तो दूसरा नहीं मंगवा रहे। अच्छा जी, अच्छा। चलिए धन्यवाद भाई साहब जी। दोस्तों ये है वो खीरा जो भाई साहब ने बताया था 10-12 रुपए, ये हल्का है, इसको पलट के बना के बेच रहे, ये सफेद हो गया। जो बढ़िया खीरा है दोस्तों उसका, ये वाला हाइब्रिड में 17-18 रुपए का बाजार है जी, अच्छे वाले का, जो ग्रीननेस पूरा जी। दोस्तों जानते हैं महिंदर सिंह भाई जी की दुकान पे आज टिंडा किंग है महिंदर सिंह भाई जी भी। टिंडे की गड्डियाँ आती है, टिंडा है, ग्वार फली है, हरी मिर्ची आती है, आज का क्या कुछ बाजार चला जी। सर जी नमस्कार जी। भाऊ जी आज कैसा बाजार जी, कितनी गाड़ियाँ आ रही लगभग मंडी में टोटल? गाड़ी को तो नहीं कह सकते, हमारे पास 4 गाड़ी थी। अच्छा जी, टिंडे की। अच्छा जी, आज अब तो क्यों बैठे जी? बस बिका हुआ सौदा सब, अभी तोलना बाकी है। अच्छा जी, आज का कैसा बाजार चला जी? बढ़िया टिंडे का जी? बढ़िया टिंडा जो है, 1 नंबर का टिंडा, वो 40 रुपए बिका है। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा जी, और ग्वार बिकी है 30-35 रुपए, ये वाली मोटे वाली जी? हाँ जी। अच्छा जी। हाँ जी, और आज भी मिर्ची बिकी है, 1 मिर्ची बिकी है 70 रुपए किलो। अच्छा जी, 1 मिर्ची बिकी है 30 रुपए और 28 रुपए किलो, वो जो अचारी वाली 28-30 रुपए। हाँ, और तीखी मिर्ची 70 रुपए किलो। हाँ जी। और आज भिंडी वगैरह नहीं आई जी? नहीं जी। और वो जो घी आती थी लंबी आपके पास, वो बड़ी आएगी जी? अच्छा जी, मंडी की बंद होती है ना तो इसलिए। तो आज का क्या बाजार चल रहा जी घी का? वैसे घी का बाजार है 20-22-25। अच्छा जी, धन्यवाद सर। चलिए दोस्तों जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का हरी तिक्खी मिर्ची का क्या बाजार चला, आज के क्या बाजार चले, कहां कहां की मिर्च आई। एक तो ये मिर्ची है, एक जो है पेप्सी आती है पंजाब की, और एक पीले कलर में आती है लंबे वाली पेंसिल। चलिए जानते हैं। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार भाई साहब जी, आज के कैसे बाजार चले जी?
जी 55 से 60 रुपए तो पेप्सी बिकी। अच्छा जी, पंजाब की जी? हाँ, 55 से 55-56 ज्यादा बिकी, थोड़ी अच्छा बहुत रात में बिकी थी 60, अब तो डाउन है। और पंजाब की पीले वाली लंबी पेल्सिन? पीले वाली 60-62 रुपए। अच्छा जी, और ये वाली ऐसी जी है? ये वाली तो थोड़ी हल्की बिक रही है, मीरापुर से आई थी, दागी है। हाँ, ये तो 20 रुपए से 40 रुपए तक बिक रही है। अच्छा, दागी की वजह से। बढ़िया होती तो ये 70 रुपए बिक जाती। और जो शाहबाद वाली मिर्चियां हैं, जो शाहबाद वो तो आज 100 रुपए किलो तक बिकी है, थोड़ी आई थी, जो थोड़ा माल आया था बारिश के, अम्बाला शाहबाद तक की 100 रुपए किलो तक। 100 रुपए किलो, वैसे जनरल रेट 70 रुपए का चल रहा, 70-80 रुपए तक। अच्छा जी, धन्यवाद भाई साहब। दोस्तों, जो बढ़िया मिर्ची है वो 100 रुपए किलो बिकी, और ये देखो दागी है, दागी होने के कारण इसमें खराब है बारिश की वजह से, ये बारिश की वजह से दागी होगी, तोड़ के जाए होंगे दोस्तों। और जो बढ़िया मिर्ची होती है भी 70-80 रुपए जाती है, जो अच्छी मिर्ची है वह 80 से 100 रुपए किलो गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज का दिल्ली जादवपुर मंडी में धनिया का क्या बाजार चला, आज के कैसे बाजार चले। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी भाई साहब। कन्हैया लाल जी, आज का कैसा बाजार चला जी भाई साहब जी? बेंगलोर 150 से 160 रुपए की। ये कहाँ का है जी? है ये बेंगलोर देसी है। बेंगलोर का देसी? हाँ जी। ये 150 से 160? हाँ, ये थोड़ी लंबी चाल में 130-140 वाला। अच्छा, लंबी चाल का 130-140, और जो छोटी चाल का है बिल्कुल? हाँ जी, बढ़िया सौदा, 160 रुपए किलो आड़त पे। अच्छा, और ये कहाँ का है जी? है ये भी बेंगलोर है। अच्छा जी, और नासिक? नासिक 140 रुपए किलो राइट। अच्छा जी, लोकल आ रहा थोड़ा बहुत? नहीं, लोकल आज बिल्कुल भी नहीं आया। अच्छा, पल्ले आए तो उसकी कोई गिनती नहीं थी, बाहर वाला ही ले गए सर। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, बाकी यही चल रहा जी, ज्यादातर बेंगलोर ही है। बेंगलोर वाया फ्लाइट है सारा का सारा। हाँ जी, नासिक भी है, वो नासिक रखा है। वो गाड़ियों में आ रहा है, एसी कंटेनर में आ रहा है? अभी कंटेनर वाला नहीं है, कंटेनर वाला शायद कल से आ सकता है। ये भी फ्लाइट में है? नहीं नहीं, ये तो गाड़ी से, पिकअप से। अच्छा अच्छा, पिकअप से। हाँ जी, स्टोर होके आता है, स्टोर होके आता माल। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब जी। भाई साहब मोबाइल नंबर बोल लो। 790-6-0-67। बहुत बहुत धनिया की भी दोस्तों लैटरी लग गई, जहाज में आ रहा, खा लो जहाज वाला धनिया जी, 170 रुपए किलो होल सेल का रेट है दोस्तों, पूरा का पूरा बंद का ये। चलिए दोस्तों, जानते हैं भाई साहब के पास आमरा, आंवला नहीं आमरा, कच्चा आम, प्लेन तोरी, झिंगा तोरी, चचरिंडा, रतालू, पतालू, क्या क्या चीज। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी, आज का करेला नहीं चमक रहा जी? आज करेला वाली आज बना नहीं, बारिश हो रही थी पीछे से। अच्छा। हाँ जी, तो वैसे मंडी में क्या रेट चल रहा करेले का जी आज का? करेला वाली जी यहाँ तो आया नहीं, होता तो 25 से 30 तक बिक जाता। अच्छा जी, और ये चचरिंडा भाई साहब जी? चचरिंडा वो जी 22 से लेकर 25 तक। अच्छा जी, और आमरा? आमरा है ये 14-15 रुपये किलो। अच्छा जी, और आज कच्चा आम का क्या बाजार चला जी? कच्चे आम कच्चा जी 15-16 रुपए बिक रहा। कच्चा आम 15-16 रुपए। हाँ जी, और ये प्लेन तोरी भाई साहब जी? प्लेन तोरी 18-20-22 पुरानी तोरी, नई वाली तोरी बिक रही है 30 रुपए किलो, बढ़िया प्लेन वाली है। हाँ, ऐसी में जी? हाँ, अच्छा, ऐसे में बढ़िया आ रही है, ये थोड़ी पुरानी हो गई, इसमें काली पड़ गई है। अच्छा, ये 18-20 की बिक रही है। और झिंगा तोरी भाई साहब जी? झिंगा तोरी नहीं आ रही भाई, अभी चालू नहीं है झिंगा तोरी, नहीं। अच्छा जी, हाँ जी। और इसका क्या रेट निकाला जी? रतालू का? रतालू का जी 22 रुपए बिक रहा। 22 रुपए। धन्यवाद भाई साहब जी, मोबाइल के बाद दुकान नंबर 241 है अपनी, सुपर सप्लाई कंपनी के नाम से, आजादपुर मंडी, 9718641388 कॉन्टैक्ट नंबर। चलिए दोस्तों, जानते हैं श्यामलाल ठाकुर भाई साहब के पास, जो अपना ये वाले हरे वाले बैंगन आए और काले वाली लंबी बैंगनी आई, और इनके पास भाई साहब के कंचन बैंगन आया, आज के क्या बाजार चल रहे, चूचू बैंगन है इनके पास। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार रानी। नमस्कार भाई साहब जी, आज का कैसा बाजार चल रहा? कंचन है जी? कंचन वो जी ये आज बिका है 1500 से लेकर 1800 रुपए तक कट्टा। 1500 से 1800 का? 1800 रुपए वजन, वही 30 किलो माल निकलेगा, 28 किलो जी। हाँ। अच्छा जी, और चूचू बिका है जी 33 से लेकर 38 रुपए किलो तक। ये 33 रुपए से लेकर 38 रुपए किलो जी? 38 रुपए किलो तक। अच्छा जी, और वो हरे वाला? हरे वाला बिक रहा है, ये समझ लो कि 32 रुपए 33 रुपए हरे वाला, और ये 35 रुपए 36 रुपए। ये काले वाला लंबा जी? काले वाला 35-36। अच्छा जी, अच्छा। बैंगन में फुल तेजी है जी? फुल तेजी का जी, सौदे आज नहीं रहे, आज पूरी मंडी में एक गाड़ी थी, कल 4 गाड़ी थी। अच्छा जी, बरसात की वजह से माल नहीं आए? 15 दिन अभी यही हाल रहेगा बैंगनों में। अच्छा जी, 15 दिन यही हाल रहेगा कि जन की सौदे बरसात हो रहे, बरसात में तोड़ रहे हैं। अच्छा जी, एक आधा किलो बोरी में हल्का निकलता। ये पूछ कमेंट आ रहे थे, ये कौन सी कंपनी का बीज है जी? ये कंचन? एक कंपनी का बीज नहीं, कंचन जैसे इसका नाम है, कंचन बीज वो जी। अच्छा, कंचन तो नाम है, कंपनी कौन सी है इसकी? कंपनी तो हमें भी नहीं मालूम। अच्छा, नाम पता जी? कंचन, नाम कंचन ये चलता है। चलिए धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठाकुर मोबाइल नंबर 9918-24-872, दुकान नंबर D-432 MKC। बहुत बहुत शुक्रिया।
लेंगे मटर वाले साइड में जो भिंडी आती है ये यूपी की आती है भिंडी, जो लंबे वाली भिंडी वो 20 रुपए और जो दो नंबर भिंडी है वो 28-30 रुपए और जो कली भिंडी आती है वो दोस्तों 40 रुपए किलो बढ़िया वाली नंबर वन की। दोस्तों घिया का रोट चल रहा जी 25 रुपए किलो भाई साहब के पास, इनके पास 25 रुपए किलो। अभी जो है ना सौदों में बरसात के कारण बिक गए यार है, क्योंकि बरसात दो दिन की दिल्ली और NCR में आसपास में दूर दूर तक काफ़ी थी, उसके कारण बाजार तेज आ जी है। दोस्तों मंडी में माल की बहुत शॉर्टेज है, जो बढ़िया माल है और रात को ही बिक गए और मंडी में माल भी बहुत कम आए। रेटों का जो बढ़िया वाले माल है वो तो रात में ही उठ के जा लिए, उनके रेट ही अलग हैं जी, वो सारे महंगे सौदे थे। अब जो है जो रेट चल रहे इस समय ये जर्नल रेट चले हैं, जो उनसे सौदे बरसात के कारण गिल्ले हो गए, सफ़ेद हो गए या बिक गए हैं उनके रेट हैं, जो बढ़िया वाले रेट हैं उनके तो अलग ही रेट हैं जी, माल मंडी में बहुत ज़्यादा कम है। चलिए दोस्तों जानते हैं भाई साहब के पास ग्वार फली का क्या बाजार चला और बेल गिरी आई और इनके पास ये करौंदा आया आज के क्या क्या बाजार है जी। सर जी नमस्कार जी। बाबू जी आज का करौंदे का क्या बाजार चला जी? 60-65 रुपए और जो हरे वाला करौंदा है जी? हरा वाला बिक रहा है 20-22 रुपए। इससे बढ़िया भी आता है इसमें? नहीं इससे बढ़िया। अच्छा जी। और आज ग्वार फली के बाजार? ग्वार फली बिकी 28-30 रुपए किलो मोटी वाली। हाँ जी। और मीडियम बिक रही 35-36 रुपए किलो। अच्छा जी। और सुपर मखनी बिक रही 50-60 रुपए। और बेल गिरी जी? बेल बिक रहा है ये 1500 रुपए। और जो बढ़िया वाली बेल है? बढ़िया है 25 रुपए बिक रहा है। और इंग्लिश वेजिटेबल ही माचली कोई आने वाला है? ऊपर पहाड़ों में बारिश बहुत हो रही है, माल पीछे से कम आ रहा है। अच्छा जी। अच्छा जी धन्यवाद सर जी बहुत। चलिए दोस्तों जानते हैं भाई साहब के पास ये जो है दोस्तों वो जो पत्ता गोभी आई थी कहाँ वाली आई थी? बागलकोट की, जो वहाँ की आई थी ये कर्नाटका वाली बेलगांव वाली, ये तो कल की पड़ी अभी दागी है। और जो लोकल वाली है ये भी नहीं बिक रही क्योंकि दागी पड़ गई बरसात। हाँ जी बाबू जी ये लोकल वाली का क्या बाजार चल रहा जी? 400 रुपये नेट। हाँ जी 400? 400 नेट। और ये जो ये बैल बेलगांव की भागी है 400-500 ये नेट का। और जो बढ़िया पत्ता गोभी है जी? बढ़िया 500 खर्चा ऊपर। अच्छा जी। ये जो और जो नई गड्डी आई कोई? ना कोई। अच्छा जी। जो नई आ जाए आज की तारीख में उसका क्या बाजार है जी? आज जब आई नहीं किसी के पास, यही नकड़ वाली आ रही है जिसके बाद बढ़िया आती है उसका बिक ज़्यादा 500 का। अच्छा जी। हल्की आती है उसका कम रहती है। बैलगांव दूसरी गाड़ी कोई नहीं आई अब तक? नहीं। अच्छा जी। धन्यवाद सर जी। दोस्तों ऐसी है जिसको खानी खा लो, जो मंडी में बढ़िया है वो तो दोस्तों कम से कम जाएगी 800 रुपए की, जैसे हिमाचल वाली 750-800 की जा रही, बैलगांव भी बढ़िया वाली पत्ता को भी 850 रुपए का बाजार है जी आज का, 750-800 रुपए का, पर एक भी गाड़ी नहीं है पूरी मंडी में। चलिए दोस्तों जान लेंगे दिल्ली जादवपुर मंडी में आज का अरबी के क्या बाजार चले, आज के क्या क्या रिपोर्ट है जी अरबी की, कहाँ कहाँ के माल आए, कितनी गाड़ियाँ हैं मंडी में। सर जी नमस्कार जी। बाऊ जी अरबी कितनी आ रही, कितनी गाड़ी है, माल कम है ज्यादा? बाऊ जी खंडवा का आई है गाड़ी 11। अच्छा जी। और लोकल वाली जी? लोकल वाली है 5-6 गाड़ी आई है। और पंजाब? पंजाब नहीं। अच्छा जी। आज के कैसे बाजार चले जी? आज का बाजार कल से 2 रुपए कम है। क्या बात जी, ज्यादा माल होगा तो बाजार घटेगा नहीं? अच्छा जी। अच्छा तो आज का क्या बाजार चला, खंडवा वाली का क्या बाजार चला? यार बाऊ जी 36-38 रुपए का। और जो अपने लोकल वाली जी है? लोकल वो जी 408 नंबर पे आई, वो बताएंगे। अच्छा जी। अपने पास खंडवा ही है जी सर? अपने पास खंडवा है। अच्छा जी। चलिए धन्यवाद सर जी बहुत बहुत। चलिए दोस्तों जानते हैं आज का चुकंदर के क्या बाजार चले, भाई साहब के पास ये जो चुकंदर आया आज का, इनके पास चुकंदर मथुरा वाला इंदौर वाला आज के कैसे बाजार चले? नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार। भाई साहब जी कैसा बाजार चला जी चुकंदर के जी? सर मथुरा ये। अच्छा जी ये मथुरा जी। मथुरा चल रहा 15-16 रुपये। और इंदौर जी? इंदौर चल रहा 20 रुपये किलो सर। क्या बात, तेजी क्यों नहीं आई जी इसमें फिर? और सब्जी तो तेज होगी जी, काफ़ी माल आ रहा ना। अच्छा जी। और ये भुट्टा जो बढ़िया वाला भुट्टा है उसका क्या बाजार चला जी? 7 रुपये किलो चल रहा है सर। जो अच्छे स्वीट कॉर्न है वो 10-11 बिक रहा। और जो इसमें भुट्टे में बढ़िया भुट्टा देसी भुट्टा ये चल रहा है 7 रुपये किलो। और जो बढ़िया है जिसमें अच्छा हाईब्रिड साफ भुट्टा? हाईब्रिड वही तो आ रहा है स्वीट कॉर्न, वो 10-11 रुपये किलो बिक रहा, ये 7-8 रुपये ये बिक रहा। अच्छा नहीं ये तो मट्टी लगाया ना ये, जो इसमें बढ़िया माल आएगा फिर? हाँ फ्रेश माल एक नंबर आएगा, 8 रुपये किलो, बस 1-8 रुपये का होता है। अच्छा जी। अच्छा गाड़ी वाला? अच्छा जी। 433-83-76-99-61-95 बहुत बहुत। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जादवपुर मंडी में आज का सब्जियों का इंग्लिश वेजिटेबल का क्या बाजार चला, भाई साहब के पास देखो ये ब्रोकली आई और ब्रोकली भी इतनी बढ़िया नहीं अभी तो, क्योंकि हिमाचल में दोस्तों जहां से लाहौल स्पीति किन्नौर की तरफ से माल आते हैं बरसातें ज़्यादा हैं, बरसातों के कारण जो है माल बहुत शॉर्टेज है मंडी में। चलिए जान लेंगे क्या ऐसा बाजार आ रहा चला इनका। दोस्तों भाई साहब कह रहे आग लगी पड़ी सौदों में, आज रेट बताएगा कोई फायदा नहीं है, कल माल आ जाएंगे फिर कल दिक्कत रहेगी,
वो कहेंगे कि आपने हमारा माल इस रेट बताया था, इस रेट बेचा, तो उन्होंने अभी रेट नहीं बताया जी, क्योंकि वो कह रहे दागी माल बहुत ज़्यादा आ रहा है, काफ़ी वेरिफिकेशन है मालों में, कह रहे कि ये यहाँ पर देख के आओ, आइसबर्ग सड़ी हुई पड़ी जी काफ़ी, ये देखो छटाई कर रहे ऐसे मालों की सब की, ये जो है ख़राब हो जा रहे बिल्कुल, इनमें ज़्यादा ही दिक्कतें आ गई, और उन्होंने रेट नहीं बताया, वो कह रहे अभी रेट ज़्यादा हाई है बताने का, वो कह रहे बाजार में माल हो तब रेट बताने का फायदा है, जब माल ही नहीं है, बासी माल है, स्टोर के माल है, उनका कोई माल ही नहीं आए, माल की शॉर्टेज है जी मंडी में बहुत ज़्यादा। चलिए दोस्तों जानते हैं भाई साहब के पास आज का मशरूम का क्या बाजार चला, आज के क्या कुछ रेट हैं जी मशरूम के, चलिए जानते हैं मल्होत्रा भाई साहब के पास कहाँ कहाँ की मशरूम। नमस्कार सर जी। भाऊ जी निकली जी डिमांड, अब तो बरसातें फूल चल रही है, बस माल अब थोड़ा आज कम आया है। अच्छा जी, थोड़ी मार्केट कल से ठीक है। अच्छा जी, अच्छा आज के कैसे बाजार चले जी? 90 से लेकर 110 तक। हाँ जी 90 से 110। कल डाउन था जी कल? हाँ कल, तो शनिवार को ठीक था जी, और वैसे हाँ शनिवार। अच्छा जी, अच्छा 90 से 110 रुपये। और आज का बेबी कॉर्न का जी? बेबी कॉर्न बिक रहा है बढ़िया 60 रुपये के। अच्छा जी, नींद आ रही जी आपको तो आज? किस समय आ जाते हो रात को? 12 बजे। रात को 12 बजे, और अब समय हो गया समझ लो 7:30 हो गए, और अभी क्या बजे तक रहेंगे? 12 बजे दिन के 12 तक, यानी 12 घंटे की ड्यूटी है। अच्छा जी, धन्यवाद सर जी। दोस्तों अब पहुंच चुके हैं मूली गज्जर वाले किसान साइड में, ये भी साइड आज सारा खाली पड़ा, माल बहुत कम है क्योंकि लोकल साग सब्जी बहुत कम आई, बरसाते हैं पानी भर गए खेतों में, और जो आए भी माल उनमें भी दागी हो गए बरसात के कारण, बरसात में टूट नहीं सके। और यहाँ पर ऋषि प्रकाश भाई साहब के पास क्या क्या माल आया जानते हैं, आज की क्या रिपोर्ट है जी, क्या क्या रेट चला जी इनके पास यहाँ पर। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा साहब। ऋषि प्रकाश जी माल बड़ा कम जी मंडी में जी, बरसात बावजूद 2 दिन में पूरे हाल है। अच्छा जी, आज भिंडी का क्या रेट चला जी, बढ़िया वाली कली भिंडी लोकल? भिंडी बावजी आज बिकी 28 से 30 रुपये लोकल है, और जो कली भिंडी है जी? ये कली का बरसात की वजह से डाउन रहा। अच्छा, ग्राहकों का माल नहीं बिका इसलिए उठाव कम था। अच्छा जी, आज दिन में हो जाएगी 50 रुपये से ऊपर दिन के अंदर जी। अच्छा जी, और ये वाली जी हरी मिर्ची भाजी बिकी है 90 रुपये 92 रुपये किलो। 90-92 रुपये किलो ये किलो। अच्छा जी, और टिंडा जी है? टिंडा बिक रहा भाव जी बढ़िया, टिंडा तो बिका रात को 38 रुपये 39 रुपये। हाँ जी, ये थोड़ा मीडियम है। हाँ जी, 35-36 रुपये बिक रहा है। और ये घिया क्या रेट जा रही है? घिया का बाजार आज खुला 25-26 का जी। अच्छा जी, और खीरा रहा भाई साहब? खीरा खीरा भाव जी इंदौर वाला आया था। हाँ जी, 16 रुपये से 18 रुपये। अच्छा जी, और ये लोभी का क्या रेट चल रहा जी? बढ़िया लोभिया 30-32 रुपये बिक रहे जी। अच्छा जी, और क्या माल आ रहा जी लोकल में? मूली आई थी जी। हाँ जी, थोड़ी बरसात की वजह से। हाँ जी, बढ़िया नहीं थी, हल्की थी। मूली का क्या रेट चला? 300 रुपये का पल्ला बिके जी। अच्छा जी, बढ़िया मूली नहीं है जी। लोकल सब्जियाँ तेज हैं जी अब सारी की सारी? आज से तेज हो जाएंगी सारी। अच्छा जी, ठीक ठीक ठीक। उधर की मंडियों में तो आज तेज है जी, पड़ली तरफ तो सारे आज से सब कुछ तेज हो जाएगा। आज से सारा तेज हो जाएगा जी। पेठा भी क्या जी 15-16 रुपये कद्दू। अच्छा जी, अच्छा गोल चक्री। चलिए जी धन्यवाद भाई साहब जी, मोबाइल नंबर जी अपना 93-127-15-311 ऋषि प्रकाश। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों दिल्ली में जो कल 2 दिन की लगातार बरसात रही, इससे आसपास के लोकल सब्जियां भी ख़त्म हो जाएंगी, अब बाज़ार में तेज़ी बनेगी भयंकर वाली तेज़ी। ये थी जो 300 रुपये का बता रहे जी, वो यमुना के जो किनारा है मूलियाँ लगी वहाँ सारी यमुना में भर गई, पानी फिर गया, पानी में से गोता लगा लगा के इनको मूलियों को पार कर जाए, ये बिक रही जी मट्टी वाली 300 रुपये का पल्ला, जिसको खानी हो खा लो, अभी बढ़िया की शॉर्टेज है, बढ़िया दिन की मंडी में कह रहे आएंगी।